करना चाहूंगा साधु को और आर्शिया को, क्योंकि इन दोनों ने सच में बहुत कमाल के काम किया है। इसके लिए यार कॉन्ग्रेचुलेशंस आप दोनों को, और ऐसे ही बस लाइफ में ग्रो करते रहिए, और बाकी सब भी इनसे सीखिए और स्टार्ट करिए आप भी अपना मेहनत करना थोड़ा सा, ठीक है? और हाँ, आप ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सबसे पहले आप लोग मुझे भी थोड़ा कॉन्ग्रेचुलेट कर दो, क्योंकि आज मैंने सेल्फ अर्न लैपटॉप परचेस करा हुआ है, तो मुझे भी कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हो आप लोग, राइट? और क्या हाँ बात है। चलो ठीक है, हम स्टार्ट अब करते हैं बस सेशन। आप दिखा दो और आप वीडियो ऑन कर नहीं देना। सर, अभी अभी नहीं दिखा सकता, क्योंकि आप ऑलरेडी पॉसिबल काफी हुआ तो आप लेट हो दिखा भी चुका है। दो हमें। नहीं, अभी नहीं दिखा सकता, चलो ठीक है मैं भाई। अरे ग्रुप ये पे डाल दूंगा, मीटिंग है, ग्रुप अभी पे डाल 9 बजे वाली दूंगा। मीटिंग है, मैंने पूछा था तो मीटिंग है। ठीक है, कोई नहीं, हाँ, आप फोटो डाल देना। अनबॉक्सिंग वाले वीडियो बना लेना, अनबॉक्सिंग की वीडियो कॉन्ग्रेचुलेशन बना अरुण लेना भाई। पूरी। मैं सर अरुण भाई के लिए एक हाँ वर्ड बोलना चाहूंगा। मैं अरुण भाई का ना, अरुण भाई एक मिनट, मैंने आपके लिए थोड़ा छोटा सा कुछ हाँ लाइन लिखा था, लाइन बोलूंगा, ठीक है? हाँ कर लो आप, आपके लिए, बोलिए। ठीक है? ऐसे आप खुद पे डेडिकेट कर लेना कि अपने दोस्तों के लिए ना, जो आपको हेट करते हैं ना, उनके लिए है। कि घिसा है मैंने खुद को स्टोन से पेबल तक, बकवास करना बाद में, पहले आओ मेरे लेवल तक। खड़ा हूं मैं टॉप पे, तुम्हें फटे हाल में, कर दिया बवाल मैंने पिछले 3.5 महीनों में। बस छोटा सा लिखा था आपके लिए। थैंक बहुत यू अच्छा सर जी, यार, थैंक बहुत यू यार, मजेदार थैंक है, यू। मजेदार। अब चलो कंटिन्यू यार, करिए आप। थैंक आई यू होप संजय। अरुण को भी अब एनर्जी मिल गई होगी, जिसको कि चाहिए होता है एक वेबिनार को होस्ट करने के लिए। तो अरुण आप प्रोसीड करिए, राइट? यार सर, थैंक यू। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यार, एक बार फिर से सबको थैंक यू सो मच, है ना? आप देखिए, हम लोग जिस बिजनेस में है ना, उसके कुछ एथिक्स भी होते हैं, ओके? तो हमारे बिजनेस के क्या एथिक्स है, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले इसको देखो, इसको तो सभी जानते हो, जो स्लाइड आपको नजर आ रहा है ना, इसको हर कोई जानता है, बट डेप्थ लेवल पे जाकर के इसको समझना और इसको लाइफ में इम्प्लीमेंट करना, ये चीजें पॉसिबल नहीं होता है। और हाँ एक चीज और, एक्चुअली ना मेरा तबीयत थोड़ा सा खराब है, तो वॉइस थोड़ा अजीब आएगा, थोड़ा सा प्लीज उसको आप लोग ये करिएगा, ठीक है? क्योंकि मैं पूरा दिन बाहर था और नहीं ऊपर अरुण, से बहुत ही कॉल पे क्लियर था, है, तो थोड़ा सा मुझे दिक्कत जा रहा एकदम था, ठीक है? क्लियर टाइम वॉइस भी नहीं आपका। मिला था, ठीक। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोगों के बिजनेस के कुछ एथिक्स हैं, उस एथिक्स पे बात करेंगे। सबसे पहले माइंडसेट। यार देखिए, कुछ भी चीज करते हो ना, तो सबसे पहले आपका माइंडसेट क्लियर होना बहुत जरूरी रहता है, राइट? अगर आप किसी चीज को कर रहे हो और बस करे जा रहे हो ना पागलों की तरह, तो वहां पर आपको रिजल्ट नहीं आएगा। सबसे पहले उस चीज को समझो कि आप उसको कर क्यों रहे हो, उसके लिए अपना माइंडसेट क्लियर करो आप। जब तक आप माइंडसेट क्लियर नहीं करोगे, वहां पर आप डायरेक्शन लेस काम कर रहे हो, फिर कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है। जब आप अपनी चीजों को समझोगे ना, उसमें थोड़ा सा एनालाइज करोगे, तब आप उस चीज को अच्छे से कर पाओगे, राइट? इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि माइंडसेट सबसे पहले क्लियर करो अपना किसी भी चीज पे। अभी जरूरी नहीं है फोर्स आज के लिए, आप लाइफ में कोई भी चीज कर रहे हो ना, तो उसके लिए चीज बहुत जरूरी है कि यार आपको सबसे पहले उस चीज को समझना है कि मैं इस चीज को कर क्यों रहा हूँ। इस वाई को क्लियर करना बहुत जरूरी है। जब ये वाई क्लियर होता है ना, तब आपका माइंडसेट क्लियर होता है, और इसी माइंडसेट की वजह से आप अपने काम के प्रति प्यार करने लग जाते हो। सेकंड है लव। लव दैट मीन्स कि प्यार, है ना? अपने काम के प्रति प्यार करना। मैक्सिमम लोग मैंने देखा है फ्रस्ट्रेट है, डिप्रेस्ड है अपने लाइफ से, क्यों? क्योंकि वो जो कर रहे हैं ना, उस चीज पे उनका इंटरेस्ट ही नहीं है। 12 घंटे की जॉब कर रहे हैं और फ्रस्ट्रेट है अपने लाइफ से, क्योंकि वो जॉब अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं, मजबूरी में कर रहे हैं, राइट? मजबूरी में कर रहे हैं, अपने फैमिली वालों से दूर रह करके। किसी को तो देखो, जैसे कि हमारे फिरोज सर की बात करें, तो वो अपनी फैमिली को बिहार में छोड़कर कुवैत में जा करके जॉब कर रहे हैं, तो ये क्या है? एक मजबूरी है, राइट? यहाँ पे उनको वो चीजें सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, उनको प्यार नहीं मिल रहा है उस काम पे। आपको क्या करना है ना, जब आप एक क्लियर विजन सेट कर लेते हो, क्लियर माइंड सेट कर लेते हो ना, तब आप अपने काम से प्यार करने लग जाते हो, और यही एक मोटिवेशन होता है और इंस्पिरेशन होता है। शायद आप लोगों ने सुना भी होगा, संदीप महेश्वरी सर हमेशा एक बात कहते हैं, उनका कहना है कि मोटिवेशन नाम की कोई चीज है ही नहीं दुनिया में, और इफेक्ट है, राइट? मोटिवेशन सिर्फ बाहर से आता है, जिस हम दूसरों को देख करके इंस्पायर हो जाते हैं, और कुछ टाइम के बाद वो एनर्जी फिर से गायब हो जाता है। लेकिन इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन हमेशा अंदर से आता है और लॉन्ग टर्म रहता है, राइट? हमें क्या करना चाहिए, अपने काम से प्यार करो यार। मैं हमेशा बोलता हूँ, वीडियोस भी बनाता हूँ, उसमें भी आप लोगों ने सुना होगा, अपने काम से जिस दिन प्यार करना शुरू कर दोगे ना, उस दिन कोई भी आपको डिमोटिवेट नहीं कर सकता है। आप इतनी खुशी से करोगे कि मतलब कोई नेगेटिव भी बोल दे ना, या कोई मना भी कर दे, तो भी आप उसको हंस के मुस्कुरा के टाल दोगे। यही चीज इस बिजनेस में करना है आप लोगों को, क्योंकि मैंने काफी सारी चीजों को देखा है। यहाँ पर रिजेक्शन तो पार्ट है इस बिजनेस का, लेकिन लोग इस रिजेक्शन के कारण इतना डिप्रेस्ड हो जाते हैं, क्योंकि उनको ये चीजें जबरदस्ती लगता है, मतलब समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं इस बिजनेस के पावर को, इस बिजनेस की एग्जैक्टली इस बिजनेस में क्या बेनिफिट है, इस चीज को आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। ये बिजनेस आपको क्या सिखा रहा है? अभी आप मुझे ये बताइए, अगर आप लोग जॉब करोगे, सपोज दैट अभी कुछ लोग जॉब भी कर रहे हैं,
तो मुझे बताए उस जॉब में आप क्या सीखते हो, अपने लाइफ के रिगार्डिंग क्या सीखते हो जो आपके लाइफ के लिए कुछ स्पेशल वैल्यू एड करे, अपने फैमिली के लिए कुछ स्पेशल वैल्यू एड करे, ऐसा क्या कुछ चीजें होता है वहां पर? नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर इस बिजनेस में आपको पता है अभी काफी सारी चीजें होता है। जैसे कि अभी मैं बात करूँ, संजय का और एक और क्या विशाल था ना शायद, इन दोनों का बर्थडे सेलिब्रेट किया गया। तो क्या ये चीजें, मतलब आप लोगों ने कभी सोचा है कि ये कैसे हो रहा है? हम लोग एक तरीके से फैमिली मेंबर की तरह काम कर रहे हैं, ना कि एक कंपनी के ऑनर और वर्कर की तरह, राइट राइट एम्प्लॉय की तरह ऐसे काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग एक कम्युनिटी में काम कर रहे हैं, एक टीम है, हम लोग सारे के सारे फैमिली है जो एक दूसरे की सपोर्ट कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे सिर्फ सपोर्ट की बात नहीं है, यहाँ पे लर्निंग भी बहुत जरूरी है। आप क्या क्या चीजें सीख रहे हो, आपको पता है? आप जब जॉब पे जाते हो, मॉर्निंग में गए, जो भी काम करना था किए, टिफिन लेके गए थे, टिफिन खत्म किए, घर वापस, बस यही होता है लाइफ। उसमें आगे आप कुछ चीजें सीखते ही नहीं हो, बट ये जो बिजनेस है इसमें आपको लोगों से रिलेशन बिल्ड करना सिखाया जाता है, लोगों से बात करना सिखाया जाता है, राइट, अपने प्रॉब्लम को कैसे फेस करना सिखाया जाता है, फैमिली वाले के साथ कैसे मिलजुल के रहना है, फैमिली का सपोर्ट कैसे करना है, ये चीजें सिखाया जाता है, अनोन पर्सन से, स्ट्रेंजर से बात कैसे करना है, ये चीजें सिखाया जाता है। तो मुझे बताओ ऐसा कौन सा सिस्टम है जो ये चीजें सिखाता है? क्या कोई जॉब आपको सिखाता है? नहीं, जॉब वाले को सिर्फ अपने काम से मतलब है, जो ऑनर है वो सिर्फ आपसे अपना काम लेंगे और आपको तनख्वाह देंगे और खत्म, मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, राइट। लेकिन यहाँ पर इस सिस्टम के बेनिफिट को समझो, जब आप इस सिस्टम के बेनिफिट को समझोगे ना, तो खुद ब खुद इस सिस्टम से प्यार करना शुरू करोगे, और जिस दिन इस सिस्टम से प्यार करना शुरू कर लिए, आपका ग्रोथ बढ़ना शुरू हो जाएगा, राइट। तो सेकंड था हमारा लव, कि आप यार देखिए इस मार्केटिंग के फील्ड से थोड़ा सा इंटरेस्ट से जगाइए, अगर नहीं है ना इंटरेस्ट तो भी इंटरेस्ट पैदा करिए, क्योंकि एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा, एक तरीके से बोल सकते हो कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी या लाइफ के लिए करियर अपॉर्चुनिटी ले सकते हो, जो आपको सारी चीजें प्रोवाइड करता है। सारी चीजें क्या क्या आगे देखेंगे, समझे ध्यान से। थर्ड है लर्निंग। आप लोगों को पता है हम लोगों ने जब स्टार्ट करा था स्कूल, हमारे स्कूल लाइफ जब स्टार्ट हुआ था, हम लोग बस पढ़े जा रहे थे, मतलब ऐसा था कि कुछ चीजें क्लियर नहीं था यार, बस किए जा रहे थे किए जा रहे थे। फैमिली वाले ने हमें स्टार्टिंग में स्कूल भेज दिया, अब हाँ बोला गया कि हाँ मम्मी पापा बोल दिए कि स्कूल जाना है, तो स्कूल गए, बस वहीं से पढ़ना शुरू कर दिए। क्या आपने कभी इसके पीछे का लॉजिक समझने की कोशिश किया है? अगर आप नहीं पढ़े लिखे रहते तो आपके पास सोचने समझने की नॉलेज नहीं होती। आज आप इस चीज पे जहाँ पे आज बैठे हो सकता है आप नहीं बैठे रहते, कहीं हो सकते ईंट के भट्टे में काम कर रहे थे या फिर कहीं और काम कर रहे होते। तो थैंकफुल रहो अपने फैमिली का, जिन्होंने आपको एजुकेशन दिया है, इस एजुकेशन के दम पे आप आज यहाँ पे बैठे हो, ठीक। अभी इस लर्निंग का हम लोगों के लाइफ में क्या ये होगा, समझे ध्यान से। हर कोई मतलब ऐसा है कि सीखने के लिए अभी किसी के पास टाइम नहीं, इतना पैसेंस लेस हो गए लोग, सीखने के लिए किसी के पास टाइम ही नहीं है। बोलो तो एक स्कूल कॉलेज जिसके टॉपर जो कि पढ़ने पहले तो इतना डेडिकेटेड हुआ करते थे सीखने के लिए, बट आज उनके पास भी पढ़ने के लिए कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। इसमें दो तरीका होता है, सबसे पहला तो लर्निंग में दो तरीका है, सबसे पहला हम तो मन मार के पढ़ रहे हैं, सेकेंड हम जिस चीज पे कर रहे हैं ना उस पे दो तरीके से फोकस कर सकते हैं। सबसे पहला अगर हम जो चीज कर रहे हैं उसमें हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है और जबरदस्ती कराया जा रहा है तो उसमें आप कर ही नहीं सकते। सेकंड अगर आपको पता है यार इस चीज को मुझे करना ही है, अब कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, मुझे इस चीज को करना ही है, तो निराश होके क्यों करूं, मुस्कुरा के कर लेता हूँ, रोग आके क्यों करूं, खुशी से ही कर लेता हूँ। अगर ये चीजें, ये एटीट्यूड आ गए ना आप में, तो यार आप अपने लाइफ में सच में बहुत सक्सेसफुल हो जाओगे। आपको पता है अगर आपको लाइफ में जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना है ना, जल्दी रिटायरमेंट लेना है, तो आपको क्या करना होगा पता है? नेटवर्क बिल्ड करना होगा, नेटवर्क बिल्ड करना होगा। अब आपको पता है मुझे लाइफ में जल्दी से सक्सेसफुल होना है, क्योंकि मेरे फैमिली के पास, मेरे मम्मी पापा के पास भी इतना टाइम नहीं है कि उनको मैं बूढ़ा होते तक मैं काम करने दूँ, है ना। तो इस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, और इस तरीके से समझिएगा इसको, और इस तरीके से इम्प्लीमेंट करिएगा कि भाई अगर मैंने आज लर्निंग पे फोकस नहीं किया तो कल के दिन मुझे फिर से पछताना पड़ेगा, अपने फैमिली के लिए मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन आज मैंने सीखने पर फोकस किया, तो ये जो जोड़ने जाड़ने वाला जो काम है ना, नेटवर्किंग का ये जो फंडा है, ये मुझे लाइफ लॉन्ग क्या रिजल्ट देगा, इस चीज के बारे में सोचना। आपको पता है एक बार आपने नेटवर्क बिल्ड कर लिया ना, आपका 500 हजार लोगों का एक बार टीम बन गया, और इन सब से एक रिलेशनशिप अच्छे से बिल्ड कर लिए, तो ये आपको बिना कुछ काम किए बहुत अच्छी अर्निंग करके दे सकता है। लेकिन अगर आपको जिंदगी भर काम करना है, मतलब जिंदगी भर ऐसा है कि बस डेली आओ, मतलब जाना है डेली ऑफिस, टिफिन खत्म करना है फिर आना है, अगर ये करना है ना जिंदगी भर, तो यार नेटवर्किंग करो ही मत, जोड़ने जाने वाला काम करो ही मत, राइट।
अगर आपको लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब पाना है ना, जल्दी से जल्दी एक सक्सेसफुल पर्सन बनना है फाइनेंशियली या फिर जो भी आपके फिजिकली मेंटली जो भी, तो आपको इस फील्ड में उतरना होगा और पूरे जोरों शोरों के साथ। तो कैसे उतरोगे? बिना कुछ सीखे उतरोगे भाई तो मुंह के बल गिरोगे। लर्निंग तो करना पड़ेगा। आप लर्निंग पे क्या क्या करोगे ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर पीपल कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, कम्युनिकेशन स्किल, लोगों के साथ क्या बात करना है, कैसे बात करना है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। जब तक आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, लोगों से रिलेशनशिप बिल्ड करने की क्वालिटी नहीं है ना, आप नहीं कर पाओगे इस बिजनेस को। सेकंड, आप जिस बिजनेस को कर रहे हो उसका नॉलेज लेना है, ये भी लर्निंग का ही पार्ट है। काफी सारे लोगों को मैंने देखा बिजनेस तो स्टार्ट कर लिए बट वेबिनार के लिए टाइम नहीं है बेचारे के पास। भाई वेबिनार के लिए आपके पास टाइम नहीं है तो बताओ कैसे करोगे किसी चीज को? क्या आपको ये लगता है कि आपको कुछ नॉलेज नहीं है और आप किसी को आधी अधूरी ज्ञान दोगे और वो आपके साथ ज्वाइन कर लेगा? आप अपने में इसको इम्प्लीमेंट करके देखिए। सपोज दैट मैं हूँ, मुझे कुछ ज्यादा खास नॉलेज नहीं है, मैंने आपको अप्रोच किया इस सिस्टम के लिए, टूटी फूटी नॉलेज मैंने आपको दिया, आप मेरे साथ स्टार्ट करोगे? नहीं करोगे ना, तो आप दूसरों से क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो? आपको पहले खुद नॉलेज लेना होगा, देन आप सामने वाले को बताओगे तब आपको रिजल्ट आएगा। बट बिना लर्निंग के बिना सीखे अगर आप जाओगे तो मुंह के बल गिरोगे। ठीक है, तो लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है पैशन। पैशन दैट मीन्स डिटर्मिनेशन भी बोल सकते हैं इसको, राइट? दृढ़ संकल्प भी बोल सकते हो शुद्ध हिंदी में बोलो तो। ठीक, अब ध्यान से समझिए पैशन क्या होता है। पैशन दैट मीन्स अपने काम के लिए पागलपन। मतलब जब आपका माइंडसेट क्लियर हो गया ना, आपने अपने काम के प्रति प्यार करना शुरू कर दिया, लर्निंग पे फोकस कर दिया, तब आता है पैशन। अब इस पैशन को फॉलो करना है इन सब में, तब आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पैशन दैट मीन्स आप जो चीज कर रहे हो ना, थोड़ा सा उस चीज के यार मतलब सोचने की कोशिश करो कि उसको मैं किस लेवल तक कर सकता हूँ। आप ना जब इस फील्ड में उतरते हो तो इस फील्ड में टॉप लेवल पे जो बंदे हैं ना, उनके साथ अपना तुलना करना शुरू करो कि ये है ना, इनसे मुझे टॉप लेवल पे जाना है, राइट? दैट मीन सिंपल सा फंडा ये है, मैं अपना एक विजन ये लेके चलता हूँ कि मैं अपने फील्ड का सबसे टॉप प्लेयर बनना चाहता हूँ। और आप क्या चाहते हो आप सोच लो, ये है पैशन, अपने फील्ड का टॉप प्लेयर बनना है आपको। संदीप महेश्वरी ने बात कही भी है कि मिलेगा भाई सब कुछ मिलेगा, पहले खिलाड़ी तो बनो, अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी तो बनो, सब कुछ मिलेगा। और आप लोग वही करते हो, सीखने पे कोशिश सीखने पर ध्यान नहीं देते हो, अपने फील्ड में पक्की खिलाड़ी बनने की कोशिश नहीं करते हो और अनाड़ी बन जाते हो, राइट? तो ऐसा नहीं करना है, थोड़ा सा समझिए ध्यान से और पैशन के साथ, पैशन पैशन के साथ करिए इस चीज को, तब आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके बाद है पैशन, पांचवा पैशन, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ये जो टॉपिक है ना, ये हर किसी के लिए बहुत जरूरी है। पैशन जब हम इस सिस्टम पर स्टार्ट करते हैं, तो मैंने काफी सारे लोगों को सुना है, हर किसी का ये कि प्रॉब्लम है, जब बोलते हैं कि अरुण भाई मैंने स्टार्ट कर लिया बिजनेस को, अब मैं किसी को बता रहा हूँ तो वो बोलते हैं कि यार आपका अर्निंग कितना है बताओ जरा। इस चीज के कारण इसके पास मेरा कुछ आंसर ही नहीं आता और मैं वहीं पर मात खा जाता हूँ, मैं उससे आगे कम्युनिकेट नहीं कर पाता हूँ। समझो ध्यान से, उनको ये चीज क्लियर करो भाई, पैशंस नाम की कोई चीज होती है कि नहीं? आपने स्टार्ट किया है आज कोई बिजनेस, आपको पता है वो टाइम लेगा। उनको डायरेक्टली एक एग्जाम्पल दीजिए कि सपोज आपने एक होटल खोला है, तो क्या आज से ही आपको 10,000 20,000 की अर्निंग होना शुरू हो जाएगा क्या? उस होटल को एस्टेब्लिश होने में 1 महीने से 6 महीना लगेगा। आप एक यूट्यूब चैनल भी खोलते हो, उस यूट्यूब चैनल को ग्रो करने के लिए भाई मिनिमम 6 महीने देने पड़ेंगे, मैक्सिमम 1 साल 1.5 साल चला जाता है, पता है? तो पैसेंस हर जगह काम आता है। अभी मैं अपनी ही टीम की बात करूँ तो कुछ लोग इतने पैसेंस लेते हैं भाई कि पूछो मत। कॉल पे हूँ पता है, बिजी है अरुण, कॉल पे कॉल किए जा रहे हैं भाई, समझा करो। देखो हर चीज का एक अपना ही रहता है, पैशन बहुत जरूरी है। आपको पता है कि वो बंदा कहीं ना कहीं बिजी है, जब वो फ्री होगा तुरंत कॉल कर लेगा, थोड़ा सा समझा करो इस चीज को। और पैशन इस तरीके से रखना, आपको पता है, सपोज दैट अपना एग्जाम्पल लो, आपको पता है अरुण का टीम इतना बड़ा है, वो डेफिनेटली यार कहीं ना कहीं कॉल पे बिजी है। अब आपने अपने लीड्स को कॉन्फ्रेंस में लिया हुआ है, ठीक? अब आप बोल रहे हो कि अरुण यार मैंने आपको कॉल किया था, मेरा लीड्स कॉल पे था। तो समझो ध्यान से, जिस जिस पर्सन के साथ मैं कॉल पे था वो भी मेरे ही टीम से है, आपके जैसे ही, और उनका भी लिस्ट है। अब मुझे ये बताइए, मैं उनका बीच में कन्वर्सेशन छोड़ करके आपके लिस्ट को मतलब बात कॉल पे बात करने लग जाऊं तो इनके लिस्ट का क्या होगा? नुकसान तो इनका हो रहा है ना। फिर आपके लिस्ट को आप बोल सकते हो कि अरुण सर कहीं बिजी है, तो आफ्टर जैसे वो फ्री होते हैं ना, मैं कॉल पे बात करा देता हूँ, इतना कह के आप काम टाल सकते हो।
लेकिन अगर आप इस चीज को करोगे तो इनका तो काम बिगड़ेगा, साथ में आपका भी बिगड़ेगा। समझिए ध्यान से, आपको पेशेंस रखना है किसी भी चीज में। आज स्टार्ट किए हो, मैंने कुछ लोगों को देखा है आज स्टार्ट किए, ठीक, अभी कुछ काम नहीं किया और पूछते हैं कि अरुण सर यार मैंने एक हफ्ते से स्टार्ट करा है, अभी तक कुछ अर्निंग नहीं हुआ है, कुछ काम किया नहीं है और पूछ रहे हैं अर्निंग कभी कुछ भी नहीं हुआ है। तो भाई समझो ध्यान से, अगर आपने स्टार्ट कर लिया सिस्टम को, ठीक, और मैं बोलता भी हूँ अगर आप में पैसेंस है, अगर आप में पैसेंस है ना बिना कुछ काम के अर्निंग करने का, तो भाई 1 से 1.5 महीना बैठो, आपको चुपचाप अर्निंग हो जाएगा। लेकिन पैसेंस नहीं है तो चुपचाप काम करना शुरू कर दो, राइट। अब समझो ध्यान से भाई, आज आपने स्टार्ट करा, कुछ काम नहीं कर रहे हो तो कैसे अर्निंग होगा, और आप एकदम पैसेंसलेस बोले जा रहे हो कि मुझे अर्निंग नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, तो होगा ही नहीं। किसी भी चीज को करने के लिए एक प्रोसेस रहता है, राइट। जैसे बात करूं तो ये जो एक्स गोल्ड का फंडा, मैं इसमें अप्लाई करके बताता हूँ आपको। भाई एक्स गोल्ड पे आप टॉप लेवल पे बैठ गए हो, अब आप बोल रहे हो कि अरुण मैंने कल स्टार्ट करा आज अर्निंग हो जाए, तो भाई इस एक्स गोल्ड पे आपके नीचे लोगों को आने में टाइम लगेगा, जब ये आएंगे और काम करेंगे तब ना आपको अर्निंग होगी। इस चीज को समझना। कुछ लोग ये बोलते हैं ना कि भाई कुछ लोगों को तो बहुत ज्यादा अर्निंग हो रहा है, कुछ लोगों को नहीं, तो उन लोगों ने स्टार्ट आपसे पहले किया था, पैसेंस के साथ थोड़ा सा वेट किया, अब आप लोग उनके नीचे आए काम करना शुरू किए तो अर्निंग हुआ। तो इस चीज को थोड़ा सा रिलेट करके समझिए भाई कि पैसेंस कितना जरूरी है आपके लाइफ में। आप क्या मतलब जैसे पैदा हुए थे तो तुरंत बड़े हो गए क्या, या तुरंत कॉलेज कंप्लीट कर लिए, वो भी एक प्रोसेस था जिसमें आपने अपने नर्सरी की क्लास खत्म की, फिर स्कूल, फिर अपने कॉलेज, मतलब एक तरीके से एक प्रोसेस था ना। हर जगह पे आप प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो। आप जॉब में जाते हो तो जॉब में भी एकदम से आपको 40,000 50,000 की अर्निंग नहीं होता है, एक मिनिमम से स्टार्ट होकर के बढ़ना शुरू होता है। तो हर जगह पे एक प्रोसेस में टाइम लगता है, इसी टाइम को बोलते हैं पैसेंस, जिसको आपको रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब बात करते हैं ऑनेस्टी की, समझिएगा ये बहुत जरूरी है ऑनेस्टी। मैं अपनी बात करूं तो मेरी टीम में काफी सारे लोग हैं जो देखो पता है एक्चुअली गलती क्या करते हैं लोग, डायरेक्टली ना अपने लिस्ट का नंबर मुझे प्रोवाइड कर देते हैं और बोलते हैं कि इनको कॉल कर लीजिए, इनको आपको बता देंगे, ठीक। अब हुआ क्या, सामने वाले पर्सन ने आपसे बात किया नहीं है तो आपको जानेगा क्या, अब आपको जानता ही नहीं तो आपके साथ क्यों जुड़ना पसंद करेगा, ये चीज समझो भाई। अगर आपने उनको डायरेक्ट मेरा नंबर दे दिया, आपने उनसे बात ही नहीं किया, अब मैंने उनसे बात किया, मेरा जो कम्युनिकेशन है उनको अच्छा लगा, मेरा व्यवहार उनको अच्छा लगा, तो सामने वाला पर्सन क्या बोलता है पता है, अरुण सर मैं आपके साथ ज्वाइन करना चाहता हूँ। अब बताओ, अरुण सर मैं आपके साथ ज्वाइन करना चाहता हूँ। अब मैं उनको बोलूंगा कि भाई आपका कनेक्शन मतलब हम दोनों का कनेक्शन इनके थ्रू हुआ है तो आपको इनके साथ ज्वाइन करना चाहिए, तो वहां पे होता क्या है, सामने वाला पर्सन या तो वो मेरे साथ ज्वाइन करेगा ही नहीं और आपके साथ तो करने वाला ही नहीं है, मैंने मना कर दिया तो किसी और के साथ ज्वाइन करेगा। तो बताओ इस कंडीशन में आप लोग क्या करोगे। ऑनेस्टी, मैंने कई लोगों को कहा है अपने टीम में कि भाई ऐसा नहीं हो सकता है, मैं अपनी टीम के लिए देखो इतना ऑनेस्ट हूँ कि अगर ऐसा हो रहा है तो आप मत करो ज्वाइन, लेकिन करो तो मेरी टीम के साथ, सपोर्ट तो वैसा ही मिलेगा, उसका आप टेंशन मत लो। ऐसा नहीं कि आप डेप्थ लेवल पे हो तो आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा, फिर भी उतना ही सपोर्ट मिलेगा, बट हाँ टाइम रहेगा तो डेफिनेटली यार, अगर नहीं रहेगा तो आपको बाद में कॉल बैक करूंगा, राइट। तो ऑनेस्टी ईमानदारी बहुत जरूरी है, आपको उसमें रखना चाहिए, अपने बिजनेस में लोगों के साथ एक ऑनेस्टी रहना चाहिए, राइट, तब कहीं जाकर के आपका रिलेशन अच्छा रहेगा, ठीक है। और एक चीज और समझना, इसी में एक पॉइंट और ऐड कर देता हूँ, ये जो ऑनेस्टी है ना इसमें आप थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट इस चीज को समझ लीजिए यहीं पर कि यार थोड़ा सा ना लोगों के साथ, देखो हमारा बिजनेस पीपल बिजनेस है, लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं ना कि आपके स्पॉन्सर के साथ और नहीं आपके प्रोजेक्ट के साथ। अगर आपने हर बार अपने स्पॉन्सर का हेल्प लिया ना तो जो बंदा है या जो भी हो पर्सन, वो आपके साथ नहीं उस पर्सन के साथ ज्यादा कनेक्ट हो जाता है, अगर आपके स्पॉन्सर का कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है। मैंने चीज कई बार एक्सपीरियंस किया, ऑब्जर्व किया है, तब कहीं जाके बता रहा हूँ, बेटर है ट्राई करिए मैक्सिमम कन्वर्सेशन या डील अपने तक क्लोज करने की कोशिश करिए, अपने स्पॉन्सर को कॉल पे मत लीजिए। अगर आपको लगता है कि हाँ स्पॉन्सर को कॉल पे लेना चाहिए तब लीजिए, अदरवाइज मत लीजिए। ये चीजें देखिए, आपको ये थोड़ा सा अलग लग रहा होगा बट ये हमारे बिजनेस का ही पार्ट है जिसपे मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, ओके। तो थोड़ा सा इस चीज को समझिएगा, उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड दैट मीन्स कृतज्ञता, कृतज्ञता व्यक्त करना बहुत जरूरी है। आपको पता है आपके स्पॉन्सर ने आपको इतना सपोर्ट किया, एक छोटा सा थैंक यू बोल दीजिए उनको, राइट। इससे होता क्या है, ये जो छोटा सा थैंक यू है ना, ये आपके स्पॉन्सर को आपके हेल्प करने के लिए और इनकरेज करता है, राइट। अगर आपने उनसे हेल्प लिया, सपोज दैट ड्रोन परचेस कराने के लिए, या फिर स्पेशली मैं सालू की एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा, बुरा मत मानिएगा, जस्ट समझिएगा कि सपोज सालू मतलब मैं कहीं बिजी हूँ, मुझे कॉल की, अब मैं कहीं पे बिजी हूँ, कॉल रिसीव नहीं कर पाया, तो उन्होंने डायरेक्ट आदित्य भाई को कॉल कर लिया, ठीक।
आदित्य भाई को कॉल करके उनको कॉन्फ्रेंस हैंडल कर दिया। ठीक, अब आदित्य भाई ने कॉन्फ्रेंस हैंडल किया, उसके बाद जब लास्ट में कॉन्फ्रेंस खत्म हुआ, सालू चुपचाप कॉल डिस्कनेक्ट की, आदित्य भाई को थैंक यू भी नहीं बोला। तो इसमें होता क्या है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट तो पड़ जाता है, राइट। सामने वाले पर्सन को लगता है कि भाई हमने आपका हेल्प किया, बट आप एक छोटे से शब्द भी नहीं बोल पाए, थैंक यू। ये यार ग्रेटिट्यूड बहुत जरूरी है। इससे होगा क्या, लोग आपको और अच्छे से हेल्प करेंगे और आपकी हेल्प करने के लिए इंटरेस्टेड रहेंगे, बट आपके तरफ से रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है ना। आपने किसी का इतना दिल से हेल्प किया है और सामने वाले ने कुछ छोटा सा रिस्पॉन्स भी नहीं दिया ना, वहीं पर एक खटास आ जाता है कि भाई क्या है यार, क्या माइंडसेट है। तो ये था, ग्रेटिट्यूड बहुत जरूरी है। लोगों की मतलब उनकी कृतज्ञता व्यक्त करो यार, उनको थैंक यू बोलो। मॉर्निंग में देखो, अभी मैंने एक्सपीरियंस करा है, अभी जो हुआ था ना आर्ट ऑफ लिविंग, उसमें मैंने जिस सीखा था ग्रेटिट्यूड, बहुत अमेजिंग और कमाल का था। मैंने क्या करा, उससे पहले नहीं करता था, बट अब जब मैं मॉर्निंग में उठता हूँ तो सबसे पहले चरण स्पर्श करता हूँ धरती माता का। सेकंड में ग्रेटिट्यूड करता हूँ कि थैंक यू सो मच गॉड, आपने मुझे इतना बेहतरीन मॉर्निंग दिया। अब ये जो मॉर्निंग है ना, जो ये जो ग्रेटिट्यूड है ना, ये पूरे के पूरे मेरे दिन को एनर्जीएबल बना देता है। आप सूर्य जी को बोलिए कि थैंक यू सो मच गॉड कि आज आप मतलब आ गए और हम लोगों को एक एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो। हर चीज में ग्रेटिट्यूड लाइए, तब क्या होता है ना, ये जो ग्रेटिट्यूड है ना, वो आपको विनम्र बनाता है, और यही विनम्रता आपके बिजनेस में और अच्छा रिजल्ट लाता है, कोमलता आपके अंदर आती है। ठीक है, तभी तो आप लोगों से अच्छे से बात कर पाओगे। स्पेशली एक छोटा सा एग्जाम्पल फिर से सालू का ही लेना चाहूंगा। आज सालू एक कॉन्फ्रेंस कॉल की थी, तो उसमें जो बंदा है वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, और सालू उनको कुछ भी बोल दी, और मैं उनको आराम से बात ही किए जा रहा था, और सालू उनको कुछ भी बोल दी और वो कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। तो ये होता क्यों है यार, अगर आपके अंदर कोमलता नहीं है ना, तो सामने वाला पर्सन बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाएगा, राइट। आपको अपने अंदर कोमलता रखनी है, विनम्रता रखना है, और ये कहाँ से आएगा, ग्रेटिट्यूड से आता है। ग्रेटिट्यूड से, दैट मीन्स आप जब अपने, ऐसा है कि अपने सरकमस्टेंसेस में जितने भी लोग हैं उनको थैंकफुल बोलोगे, अपने फैमिली को थैंकफुल बोलोगे कि थैंक यू मुझे इतना अच्छा फैमिली देने के लिए। ये जो चीजें है ना, ये चीजें आपकी लाइफ में और आपके डे को और बेहतरीन बना देता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। आप लोगों को ये चीजें बहुत ऑड और अनएथिकल लगता होगा, मैं नहीं जानता, बट यार ये सारी चीजें हमारे बिजनेस का ही पार्ट है। ठीक है, और आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे रिजल्ट लेके आया था, वो चीजें भी मैं बताऊंगा। ठीक है, अभी लाइव एग्जाम्पल दूंगा, लास्ट तक रहिएगा। ठीक है, अभी सपोर्ट की बात करते हैं। सपोर्ट सपोर्ट के लिए सबसे पहले आज सॉरी बोलना चाहूंगा अमृत को। अमृत ने मुझे आज 11 बजे से लेकर के अभी लास्ट वेबिनार से पहले तक इतना कॉल किया है, मतलब पूछो मत, बेचारे ने बहुत कॉल किया यार। मैं भी क्या करूँ, कॉल पे बिजी था, तुरंत फिर बाहर गया, वहां से आया, फिर वेबिनार, मतलब टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसलिए मैंने सपोर्ट नहीं कर पाया, बट मैंने कॉल बैक किया, बट वो कहीं और बिजी था। अब ये चीज नहीं है कि मैंने उनका सपोर्ट नहीं किया, वो मेरी टीम में रहे, मतलब मेरे ही टीम की पार्ट है, अपने विकी के टीम में है, दैट मीन्स मेरे ही टीम में, मैंने सपोर्ट किया अपनी तरफ से हो सका। लेकिन लोगों में ये नेगेटिविटी आ जाता है कि भाई आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो भाई सबसे पहले सपोर्ट की बात है ना, तो थोड़ा सा सामने वाले के मतलब उनकी परिस्थिति को समझने की कोशिश करना कि वो किस परिस्थिति में होगा, तब फिर कहीं जाके उनके लिए थोड़ा सा नेगेटिव बोलना। सपोर्ट हर कोई करता है, मैंने बताया ना, टीम रॉयल एम्पायर एक ऐसा सिस्टम है, ऐसा हम लोगों का कम्युनिटी है जिसमें कोई भी हर किसी के सपोर्ट करता है। बात करो रोशन सर की, तो अपने टॉप लेवल में, मतलब टॉप लेवल में है हमारे, और डेफ लेवल पे हर किसी की हेल्प करता है। आदित्य भाई की बात करूँ, हर किसी की हेल्प करता है। संजय की बात करूँ तो हर किसी की हेल्प करता है। तो ये चीज है कि सपोर्ट आप लोगों को भी रखना है, ऐसा नहीं कि मेरे टीम में नहीं है तो मैं इनकी सपोर्ट नहीं करूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर किसी की सपोर्ट करो, किसी को ड्रोन परचेस करने में, यार देखो बिजनेस एक साथ कर रहे हो ना, एक साथ स्टेबलिश होना, तो होता क्या, जब आप उनकी सपोर्ट करते हो ना, तो लोग आपके साथ इजली कनेक्ट हो जाते हैं। कैसे, ध्यान से समझिए, बात करो जब संजय का एग्जाम्पल लूँ, तो संजय को उनके स्पॉन्सर बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। अब उनके हायर स्पॉन्सर में विकी है, विकी से उनको सपोर्ट नहीं मिला, तो संजय डायरेक्ट मुझसे कनेक्ट हुआ, और मैंने संजय का जब हेल्प किया, तो अब मैं और संजय इतने अच्छे से घुल मिल गए हैं कि उन्होंने विकी को भुला दिया है। तो ये होता है कि देखो, जब आप सपोर्ट करते हो ना, लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं, राइट। जब आप उनका सच्ची दिल से सपोर्ट करते हो तो लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं, और आप में ये जोड़ने की कला होनी चाहिए। ठीक, और ये सपोर्ट से ही आता है, इसीलिए सपोर्ट हर किसी का करना। और एक चीज और, जैसे एक एग्जाम्पल समझ लीजिए, मैं पूरा प्रैक्टिकल ये सारी चीजें किया हूँ तभी बता रहा हूँ। मेरे टीम में कुछ लोग हैं, स्पेशली थानू नारंग, थानू नारंग की बात करूँ तो जब हम लोग इथेरियम पे वर्क कर रहे थे ना, तो थानू नारंग किसी दूसरे के साथ इथेरियम पे वर्क कर रहा था। इस बंदे ने मुझे फेसबुक से कांटेक्ट करा, और फिर मैंने, हम दोनों कांटेक्ट में आए, और मैंने इनका हेल्प किया। इन्होंने कहा भाई मेरा स्पॉन्सर हेल्प नहीं करा, देखो
मेरे टीम में बिल्कुल भी नहीं है, उनके स्पॉन्सर और मेरा कोई वास्ता नहीं है, फिर भी मैंने उस बंदे का हेल्प किया ये ना सोच करके कि इनसे मुझे कुछ बेनिफिट होगा। और हम मेरे लिए गुड लक ये था या उनके लिए बैड लक क्या था आई डोंट नो, बट जैसे ही ये हुआ मैंने उनका हेल्प किया लगभग 1 हफ्ते 15 दिन या फिर 1 महीने तक, और उसके बाद फोर्साज में एक ड्रोन लॉन्च हुआ और फिर उसने मेरे साथ आईडी लगा लिया। हमें नहीं पता था ऐसा कुछ होने वाला है, बट आखिर में आपने जो सपोर्ट किया बिना स्वार्थ की, वो भगवान ने आपको रिजल्ट के रूप में आपके साथ कनेक्ट करा दिया। अब वो मेरे साथ एज अ बिजनेस पार्टनर काम कर रहे हैं, तो ये चीज बहुत जरूरी है। अब बात करूं आर्शिया की, तो आर्शिया भी जब मेरे साथ स्टार्ट की थी मैंने फेसबुक से उनको कांटेक्ट किया था ऐसे ही, वो बोली कि भैया मैं फ्रस्ट्रेट हूँ मुझे लीड्स नहीं मिल रहा है। मैंने उनको सारे टूल्स दिए, ई बुक्स वगैरह प्रोवाइड किए, कोर्सेज दिए, टेक्निक्स वगैरह बताए, बिना कुछ ये सोचे कि ये लड़की बीज गुरुकुल कर रही है, इनसे मुझे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। वो डायरेक्टली मुझे बोल दी कि भैया मैं आपके साथ बिजनेस नहीं करूंगी, बट फिर भी मैंने उनका हेल्प किया। मैंने कहा उसका टेंशन ही छोड़ दो, बस आप इसको इम्प्लीमेंट करो। रिजल्ट आया कि नहीं वो तो मैं नहीं जानता, बट मैंने जो हेल्प किया था उसी का रिजल्ट है कि आज आरसीआई मेरे साथ कनेक्ट है, राइट? तो ये जो सपोर्ट है ना, बिना किसी स्वार्थ के जब आप सपोर्ट करते हो तो लोग आपके साथ इस तरीके से कनेक्ट हो जाते, इस तरीके से जुड़ जाते, मानो पूछो मत। बात करो थानू नारंग की, आर्शिया एज अ छोटी सिस्टर, वो भी बहुत पर्सनली कनेक्टेड है। संजय की बात करो तो वो भी बहुत पर्सनली कनेक्टेड है। हर कोई ऐसे डायरेक्ट कनेक्ट हो जाते हैं जब आप बिना स्वार्थ के हेल्प करते हो तो। ठीक, तो सपोर्ट करना बहुत जरूरी है ना? अब बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है किसी भी बिजनेस के लिए हो, रिलेशन के लिए हो, या फिर किसी भी चीज के लिए। समझेगा ध्यान से कैसे, सपोज दैट अभी बात करूं एक एग्जांपल से कि अमृत की बात करो, अमृत ने आज मुझे बहुत गाली दिया होगा कि अरुण सर ने तो कॉल उठाया ही नहीं, है ना अमृत? बहुत गाली दिया होगा इन्होंने, बट इन्होंने मेरी परिस्थिति को, मेरे सिचुएशन को समझने की कोशिश नहीं किया होगा, हो सकता है। और हम लोग ऐसा बहुत बार करते हैं, पता है ऐसा होता है। देखो आपको पता है, सपोज दैट मैंने आपने मुझे कॉल किया, आपको पता है कि अरुण कॉल पे है या फिर हो सकता है कुछ काम कर रहा है, बिजी है, कॉल रिसीव नहीं कर पाया, तो इस टाइम ना आपको उसके लिए नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए कि हो सकता है ये बंदा ईगो में हो या फिर फ्री हो फिर भी कॉल रिसीव नहीं। ये चीजें आप सोचते हो ना, ये होता है मिसअंडरस्टैंडिंग। आप गलत सोच, गलत अवधारणा क्रिएट कर लेते हो उस बंदे के लिए। भाई ऐसा नहीं करना है। आप में से पता है हर एक का, मैक्सिमम लोगों का लिस्ट बर्बाद क्यों होता है, ध्यान से समझिएगा। जब आप सामने वाले बंदे को वेबिनार दिखा देते हो, वेबिनार दिखाने के बाद जब आप एक बार कॉल करते हो ना, या फिर मैसेज कर दिए, या फिर नेक्स्ट डे आप कॉल करते हो और कॉल का रिटर्न मतलब आपको रिजल्ट नहीं मिलता है ना, रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो आप नेगेटिव होकर के उस बंदे के लिए नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हो कि पता नहीं इसको बिजनेस के लिए इंटरेस्टेड नहीं होगा, कॉल उठाया नहीं, जानबूझ के इग्नोर कर दिया। अपने आप एक अलग अवधारणा क्रिएट करते रहते हो। भाई एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स सोचो उनके लिए। हो सकता है वो बंदा बाइक चला रहा होगा तो कॉल रिसीव नहीं कर पाया, हो सकता है ब्रेकफास्ट वगैरह कर रहा हो या कुछ काम पे बिजी हो तो कॉल रिसीव नहीं कर पाया। ये होता है अंडरस्टैंडिंग, राइट? आप जब अपने माइंड में सही चीजों को सोचोगे ना तो एकदम सही होगा, लेकिन आप नेगेटिव चीजों को सोचोगे तो वो नेगेटिव होगा। कैसे? अगर आपने सोच लिया कि इसको मैंने वेबिनार दिखाया, इनको प्लान अच्छा नहीं लगा होगा, आप कॉल किया तो उठाया नहीं, तो ऐसा ही होगा, एग्जैक्टली ऐसा ही होगा। लेकिन अगर आपने ऐसा सोचा कि हो सकता है इसने वेबिनार तो देख लिया, हो गया होगा सारी चीजें क्लियर, अभी कुछ काम कर रहा होगा, बिजी होगा, फ्री होके कॉल बैक कर लेगा, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है और उनका कॉल आ भी जाएगा आपको, राइट? हमेशा एक पॉजिटिव सोच के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ना है, तब आप लाइफ में ग्रो कर पाओगे। लेकिन अगर आप सिर्फ अपने इस चीज को देखोगे ना, अपने लेवल पे ही लोगों को जज करना शुरू करोगे यार, तो ये होता है बहुत बड़ा एक तरीके से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है, जिससे आपका बिजनेस ब्रेक हो जाता है, राइट? अभी क्या बताऊं मैं आपको, जस्ट समझ लीजिए, जैसे अभी जस्ट एक इंसिडेंट हुआ था, उसमें हुआ क्या मुझे पता नहीं है, मतलब ऐसा क्या हुआ था, मुझे कॉल की थी एक लड़की, तो मैंने कॉल रिसीव नहीं कर पाया। हो सकता है उस टाइम मैं लंच कर रहा था दोपहर में, तो बोली कि आपका कॉल जा रहा था उसके बाद भी आप रिसीव नहीं करे। मैंने कहा यार हो सकता है मैंने लंच कर रहा हूँ, अब ऐसा तो नहीं लंच कर रहा हूँ फिर भी मोबाइल लेके बैठा रहूंगा, है ना? तो उसमें उन्होंने इतनी सारी चीजें सोचना शुरू कर दिया कि वो मेरे लिए पूरा नेगेटिव हो गई। तो ये चीज ना आप लोग मत करो, समझो ध्यान से कि लाइफ में ना हर कोई किसी ना किसी चीज में बिजी हो सकता है, तो उसको इस तरीके से अपने सिचुएशन से, अपने परिस्थिति से जब आप रिलेट करके देखोगे ना, तभी चीजें क्लियर होगा। लेकिन अगर आप सामने वाले के लिए गलत अवधारणाएं बना के रखोगे ना, तो यहाँ पर रिलेशन खराब हो जाता है, ठीक है? रिलेशन खराब हो जाता है और आप फिर कुछ रिजल्ट नहीं आएगा, पूरा का पूरा रिलेशन ब्रेक हो जाता है फिर, ठीक? तो अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, ये ना केवल आपके बिजनेस के लिए, आपके फैमिली में, रिलेशनशिप में, हर जगह पे बहुत जरूरी है अंडरस्टैंडिंग। ओके, अब बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये तो यार बहुत अमेजिंग टॉपिक है,
रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके, जिम्मेदारी, ध्यान से समझिएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें खुद की लेनी चाहिए। देखो, आप लोगों को भी पता है कि लाइफ में हमारा लाइफ कोई और चेंज कर ही नहीं सकता है भाई, हमें खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आगे बढ़ना होगा। अगर हम दूसरों पे अपनी लाइफ को डिपेंड कर देंगे तो आपको पता है दुनिया में कोई भी महान इंसान क्यों ना हो, वो आपकी जिंदगी को सही डायरेक्शन पे लेके नहीं जा सकता है, क्योंकि अगर आपने उनको अपने जिंदगी की चाबी दे दिया है तो उनको आपकी रुचि पता नहीं है, वो अपने अकॉर्डिंग आपको लेके चलेगा। हो सकता है वो सही जा रहा हो, लेकिन वो अपने अकॉर्डिंग आपको लेके जाएगा, ना कि आपके अकॉर्डिंग। लेकिन जब आपके जिंदगी की चाबी अपने हाथ में है ना, आप अपने अकॉर्डिंग मूव करोगे। समझ लो ध्यान से कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ और कितनी गहराई की ये बात है। अगर आप सामने वाले को, मतलब अपनी चाबी सामने वाले को दे दिए अपनी लाइफ की चाबी, तो सामने वाला यार डेफिनेटली आपको गुमराह कर देगा। लेकिन खुद के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले तो डेफिनेटली बहुत अच्छा और सही डायरेक्शन में जाओगे। बोलते हैं ना, इस दुनिया में वही एक पर्सन है जिनके कारण आज अभी तक सक्सेसफुल हो या फिर अनसक्सेसफुल हो, और कोई नहीं, वो सिर्फ आप ही एक पर्सन हो, और आप ही एक पर्सन जो खुद को सक्सेसफुल बना सकते हो। बाकी लोग तो सिर्फ लेक्चर झाड़ सकते हैं, आपको समझा सकते हैं, इम्प्लीमेंट करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, काम करना, ये सब चीजें आप ही को करना होगा, राइट। लोग आपको सिर्फ राइट डायरेक्शन दे सकते हैं, उस डायरेक्शन पे चलना, क्या करना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही उठानी होगी। अगर आप ये सोचोगे कि मेरे स्पॉन्सर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको कॉल करेगा, कॉल करके मुझे समझाएगा, तो ये चीजें बहुत अनएथिकल है। आपके स्पॉन्सर की ऐसा है कि आपके स्पॉन्सर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको अपने स्पॉन्सर को परेशान करना है, उनसे नॉलेज लेना है, उनसे तब उनको तब तक परेशान करना है जब तक वो सारी चीजों को क्लियर ना कर दे। कि उनको बोलो कि भाई आपने मुझे इस बिजनेस में लेके आया है, मुझे ए टू जेड क्लियर करो, क्या है सिस्टम, कैसे काम करता है, आईडी कैसे लगाना है, सारी चीजें क्लियर करो, फिर आप फ्री हो जाओ। मैं खुद की जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं खुद काम कर लूंगा, लेकिन स्टार्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपका है, अपने स्पॉन्सर को ये चीज क्लियर करो, राइट। और हाँ, ये तो चीजें हुआ स्पॉन्सर के लिए कि आपने उनको बोल दिया। अब एक चीज समझिएगा ध्यान से, आपके स्पॉन्सर ने आपको नॉलेज दे दिया, वेबिनार में बैठने के लिए बोल रहा है, अगर आपने उसको फॉलो नहीं किया तो इसमें आपकी गलती है फिर, क्योंकि आपको भी पता है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो करेंसी बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट है, और इसको आप थ्योरिकल समझने की कोशिश करोगे तो आप स्कूल वाली स्टडी कर रहे हो, अगर आप इसको प्रैक्टिकल करोगे तो वेबिनार में आके देखो तब से समझ में आएगा, स्कूल वाली स्टडी पे समझ में नहीं आएगा, ठीक। तो प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए वेबिनार अटेंड करना होगा, उसके लिए खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, ठीक है। उसके बाद एक चीज और ऐड करना चाहूंगा इसमें, टाइम, टाइम मैनेजमेंट। काफी सारे लोग टाइम का ही रोना रोते रहते हैं भाई, कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है, मतलब हद है यार, कुछ करते नहीं है। पता है एक चीज, संजय ने भी ये बात सही बोली है और मैंने सुना भी है कहीं से, कि जो जितने ज्यादा बेरोजगार होते हैं ना, उतना ही बहुत बिजी होते हैं भाई, उतने ही बिजी होते हैं ये लोग, मतलब हद है भाई, खाली तो है बट उनके पास टाइम नहीं है, राइट। अगर आप किसी से कॉन्फ्रेंस में हो ना, उनको ये पूछो कि भाई 5 मिनट है आपके पास, बात कर सकते हैं, तो बहुत गर्व से बोलता है कि हाँ भाई है। इससे होता क्या पता है, सामने वाला फूले नहीं समाता है, वो सोचता है कि यार मैं इतना बिजी हूँ कि इस बंदे ने मेरा 5 मिनट मांगा है, बट उस मूर्ख को ये पता नहीं है कि अरुण ने अपना 5 मिनट मांगा है, अपना 5 अमूल्य जो मिनट है ना, वो मांगा है। मतलब इस चीज को थोड़ा सा गहराई से इस तरीके से समझो कि अगर आपने सामने वाले से पूछा कि भाई आपके पास 5 मिनट टाइम है, तो आप उनके टाइम को नहीं पूछ रहे हो कि वो बहुत, उनका टाइम बहुत वैल्यूएबल है, आपको पता है वो बंदा खाली बैठा रहता है, आप अपनी टाइम की वैल्यू उनको बता रहे हो कि भाई मेरे पास 5 मिनट है, वो बहुत अमूल्य है, और मैं आपसे ये बात करके सिर्फ 5 मिनट में डील क्लोज करूंगा। तो ये है कि टाइम मैनेजमेंट और टाइम पंक्चुअलिटी बहुत जरूरी है। टाइम से देखो, आप लोगों में से कई, हाँ ऐसा तो नहीं है फिजिकली, हाँ मेरे जो फिजिकली फ्रेंड है वो काफी लोग जानते हैं कि अरुण ने अगर किसी को एक टाइम दिया है ना, तो उस टाइम में या फिर उससे 5 मिनट पहले पहुंच जाएगा, लेट नहीं करेगा। तो ये होती है टाइम पंक्चुअलिटी, कि आपने जो टाइम दिया है ना लोगों को, ये टाइम जुबान का पक्का होना चाहिए, राइट। उस दिन मैंने रोशन सर को भी बोला था, क्योंकि देखो बुरा मत मानिएगा सर, सिंपल सा है, सारी चीजें मैं ऐसे एग्जांपल से बता रहा हूँ, जैसे कि हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं तो उन्होंने कहा था कि हमारा कोई गलती हो, कोई खामी हो तो बताओ, मैंने डायरेक्टली कहा था कि सर टाइम पंक्चुअलिटी, हम लोग जब सेशन रखते हैं, हमारा टाइम रहता है सपोज दैट 8 बजे का, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 8:05, 8:10। तो यहाँ पे होता क्या है, मैंने कुछ लोगों से एक्सपीरियंस भी करा, उन लोगों ने भी मुझे डायरेक्टली ये चीज बताया कि हम लोग ना टाइम पंक्चुअलिटी नहीं हमें, और टाइम पंक्चुअलिटी आपको प्रोफेशनल बना देता है, जब आप बोलते हो ना अपने टाइम का पक्का। और इसी टाइम मैनेजमेंट में एक चीज और समझना,
आप किसी को टाइम दे रहे हो ना, तो ये चीज मत बोलना कि एकदम एग्जैक्ट टाइम मत देना, जैसे कि 2 बजे, सपोज दैट कि 2 बजे या फिर 2:15 या 2:30, ये टाइम आप उनको दीजिएगा मत। लोगों को ऐसा टाइम दीजिए जो ऑड हो और उनको याद रहे, जैसे कि 2:07। अब जब बोल दिया ना 2:07, तो 7 मिनट ये उनके दिमाग में घूमते रहेगा कि यार इस बंदे ने क्या बोल दिया, 7 मिनट मतलब 7 मिनट, तो वो भूलेगा नहीं, पता है आपको, याद करते रहेगा दिन भर। अगर आपने उनको कहा कि भाई मैं कल 2:30 आपको मिलूंगा, तो एक बार भूल जाएगा, लेकिन अगर आप उनको कहोगे ना कि भाई मैं 2:26 में आपको मिलूंगा कल, तो इस टाइम को जरूर याद रखेगा वो, क्योंकि ये होती है टाइम पंक्चुअलिटी। और इसी से मतलब ऐसा है कि वो आपकी रिस्पेक्ट करता है, कि उनको पता है कि भाई आपने 2:26 की बात कही है, 4 मिनट, 4 मिनट बाकी है 2:30 में, तो ये जो 4 मिनट है ना, ये 4 मिनट आपकी वैल्यू इतना बढ़ा देता है कि सोचो मत, सामने वाले आपकी खुद ब खुद रिस्पेक्ट करने लग जाते हैं, राइट। तो टाइम पंक्चुअलिटी बहुत जरूरी है, आप किसी चीज को कर रहे हो तो एकदम टाइम से करना, ओके। अब बात करते हैं कंसिस्टेंसी। देखिए इन सारी चीजों को तो आपने समझ लिया, लेकिन अगर इन सारी चीजों को फॉलो कर रहे हो ना और कंसिस्टेंसी नहीं है इसमें, तो कुछ भी रिजल्ट नहीं आएगा, पूरा 0 नील रिजल्ट आएगा, राइट। आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। मैंने काफी सारे लोगों को देखा है, वो काफी सारे लोग बोलते भी हैं, और मेरे दोस्त एक है शाहनवाज, वो भी बोलते हैं कि अरुण भाई आप कंसिस्टेंसी कैसे मैनेज करते हो ये बताओ, मुझे तो बुक्स पढ़ता हूँ तो कंटिन्यू होता ही नहीं है। तो समझो ध्यान से, देखो यार कंसिस्टेंसी क्या है, जब आप किसी चीज को कर रहे हो ना, तो आप लोगों में पता है सबसे बड़ी गलती आप क्या करते हो, टाइम फिक्स कर देते हो। दैट मीन्स कि सपोज दैट मैंने मॉर्निंग में एक्सरसाइज का मेरा टाइम है, ठीक है, तो मैंने क्या करा कि मैंने 6:30 का टाइम फिक्स कर दिया कि मैंने मॉर्निंग में उठूंगा और 6:30 एक्सरसाइज करूंगा। अब आप हो गए थोड़ा सा लेट, 6:45 में उठे, 15 मिनट लेट हो गए। अब आपने अपने दिमाग को मतलब ये उनको बचाना शुरू कर दिए, उनको समझाना शुरू कर दिए, यार आज तो लेट हो गया, 15 मिनट लेट हो गया, चलो इसको छोड़ देते हैं, आज का हम नहीं करते हैं। अब आपने क्या किया वहां पर, इस कंसिस्टेंसी को ब्रेक कर दिया, आपने तोड़ दिया उसको, जो आप डेली वर्कआउट करते थे उस चीज को छोड़ करके आप नहीं किए, राइट। आप ये गलती करते हो। अब आपको क्या करना चाहिए कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए, समझिए ध्यान से, बात करो कंसिस्टेंसी की ना, तो कंसिस्टेंसी के लिए टाइम को फिक्स मत करो, घंटे को फिक्स कर लो। सपोज दैट मेरे, मैं क्या करता हूँ, मैंने बताया भी तो शायद, कि देखो 45 मिनट का मेरा टारगेट है कि एक्सरसाइज करना है, ठीक। अब मैं जरूरी नहीं है कि 7 बजे उठाऊँ तो 7:45 तक करूंगा, हो सकता है कभी 7:30 बजे उठता हूँ तो 7:30 बजे से 8:15 तक कर लूंगा। तो ये होता है कि भाई मैंने 45 मिनट का टाइम तो मुझे देना ही है, अब वो 7:30 बजे दूँ 7 बजे दूँ कोई मैटर नहीं है, देना तो है ही। तो ये होता है, इससे होता क्या है, आप ना इस टाइम को लेट नाइट ले लो। अब लेट नाइट ले लोगे मतलब आपने अगर शेड्यूल फिक्स कर लिया है ना कि हाँ भाई मुझे इस दिन में पूरा ये शेड्यूल करना है, तो होगा क्या, आपने जो शेड्यूल बनाया उसको थोड़ा सा डिले कर लो, क्योंकि आपने उठा भी तो लेट से था ना, उठा भी लेट से हो तो सोना भी लेट से है। तो ये है कि कंसिस्टेंसी बनाना ना, टाइम को फिक्स करोगे तो पागल हो जाओगे, कंसिस्टेंसी में थक जाओगे, नहीं बना पाओगे। लेकिन अगर टाइम को मतलब ऐसा है कि इस फिक्स टाइम को फिक्स ना करके घंटे को फिक्स कर लिए, तो कंसिस्टेंसी बन जाएगा, और यही कंसिस्टेंसी आपकी सक्सेस का सीक्रेट है, राइट। इन्हीं सबसे आपका एक सक्सेस मिलता है, आपको सक्सेस लाइफ में मिलता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा चीजें मैं क्लियर करना चाहता था आप लोगों को, कि माइंडसेट के ऊपर, लर्निंग वगैरह के ऊपर, सारी चीजों के ऊपर, ठीक। तो ये चीजें आप लोगों को होप क्लियर हुआ होगा, आप ध्यान से समझिए। ये तो हुआ सिंपल सा हमारे एथिक्स जो हम लोगों को करना चाहिए फॉलो। इस चीज और ध्यान से समझिएगा, अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो ना, तो सिर्फ बिजनेसमैन की तरह काम मत करो, रिलेशनशिप बिल्ड करना शुरू करो। जब आप रिलेशनशिप बिल्ड करते हो ना, तो आपका बिजनेस डेफिनेटली लॉन्ग टर्म चलेगा। लेकिन अगर आप बिजनेस में उतर आए ना, तो आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा, ओके। तो सबसे पहले ये और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको रिलेशनशिप बिल्डिंग पे फोकस करना होगा। सपोज दलजीत भाई की बात करो, तो दलजीत भाई से जब मैंने स्टार्टिंग में बात किया, तो उनको भी पता है और उन्होंने भी मुझसे बहुत अच्छे से बात किया, मैंने भी उनसे बात किया, और हम लोगों ने जब कन्वर्सेशन शुरू किया, दलजीत भाई ने अपनी पूरी की पूरी, एक तरीके से बोलते हैं ना कि दिल की बातें रख दी। तो ये होता है कि एक तरीके से इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं लोग, दिल से जुड़ जाते हैं जब आप लोगों के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने में आ जाते हो, और यही आपके बिजनेस का प्लस पॉइंट होता है। बात करूं मैं फिरोज सर की, फिरोज सर कुवैत से है फिलहाल, तो अब उन्होंने मुझे यूट्यूब से देखा था, यूट्यूब से हम लोग मतलब मिले थे, और उन्होंने 60,000 से सिस्टम को स्टार्ट किया, राइट। 60,000 से सिस्टम को स्टार्ट किया, एक अनोन पर्सन को जिनको जानता नहीं था,
डायरेक्ट 60,000 पे कर दिया। क्यों किया पता है? ये हुआ रिलेशनशिप की वजह से, ट्रस्ट फैक्टर की वजह से। मैंने उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड किया, उनको समझाया, सारी चीजें क्लियर किया, लाइव आया, हम लोग बात किए, ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड हुआ, देन उन्होंने मुझ पर भरोसा करके ये काम किया, राइट। तो यहाँ पे रिलेशनशिप बहुत मायने रखता है अगर आप अपने बिजनेस को लॉन्ग टर्म लेके जाना चाहते हो तो, ठीक। ये चीजें आप लोगों को क्लियर होना बहुत जरूरी है। अब एक पॉइंट और मैं बोलना चाहूंगा, अगर आप बिजनेस कर रहे हो ना तो ये जो उधारी बाड़ी वाला काम होता है ना, उसको यार पूरा इग्नोर कर देना, क्योंकि इससे ना मैं बहुत बहुत त्रस्त हो चुका हूँ। पता है अभी मैं अपनी बात करूँ तो 80,000 प्लस मैंने लोगों को दिया है और अभी तक किसी का 1 रुपया रिटर्न नहीं मिला है मुझे, राइट। तो सोच लो कितनी बड़ी गलती मैंने किया है। और पता है इसमें होता क्या है, जो बंदा आपके साथ कनेक्ट रहता है ना, आपने जब उनको पैसे नहीं दिया था तो वो जितने दिल से कनेक्ट हो गया था ना, पैसे देने के बाद वो उतने दिल से कनेक्ट नहीं होता है, वो और एक तरीके से आपसे दूर होते चला जाता है। उनको ऐसा लगता है कि आप नॉर्मल कन्वर्सेशन के लिए भी कॉल करोगे ना उनको, तो उनको ऐसा लगता है कि अरुण पैसे मांगने के लिए कॉल किया है, राइट। कॉल इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। तो अगर आप अपने बिजनेस को लॉन्ग टर्म लेके जाना चाहते हो ना, तो ये जो उधारी बाड़ी वाला काम है ना, इसको पूरा इग्नोर कर दो, मना कर दो साफ साफ। भले ही कुछ टाइम के लिए बुरा मानेगा, मानने दो, कोई इशू नहीं है, लेकिन इसी शॉर्ट टर्म की वजह से आपको लॉन्ग टर्म बहुत बड़ा नुकसान होगा। मैंने ये चीज़ देखा है और स्पेशली मतलब मेरे साथ तो काफ़ी हुआ है, तो मैं कुछ बोल भी नहीं पाऊंगा, बट हाँ ये चीज़ यार बहुत 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 आपके बिजनेस के लिए ना सबसे डार्क पॉइंट है। अगर आपने ऐसा किया तो बहुत लॉस होगा। अगर कोई बोलता है ना कि अरुण भाई आप ड्रोन दे दो, मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, तो उनको डायरेक्ट बोलो भाई पहले पेमेंट कर दो, उसके बाद मैं ड्रोन दे दूंगा। अगर एक बार आपने पेमेंट कर दिया, ड्रोन उनको पेमेंट कर दिया, उसके बाद अगर आप उनको बोलोगे ना कितना अजीज दोस्त हो, वो यार पूरा इग्नोर करना शुरू कर देगा आपको, राइट। तो ऐसा मत करना सच में, मतलब ऐसा है कि बहुत नुकसान होगा। कुछ लोग दे देंगे आपको, क्योंकि कुछ लोग दिल से कनेक्ट हैं आपके साथ, बट कुछ लोग नहीं देंगे, और इसी की वजह से जो बंदे आपके साथ पर्सनली कनेक्ट रहते हैं ना, वो आपसे दूर होते चले जाते हैं। तो अगर आप इस सिस्टम पे लॉन्ग टर्म सस्टेन करना चाहते हो ना, आपके बिजनेस पार्टनर को लॉन्ग टर्म बना के चलना चाहते हो ना, तो आप ये उधारी बाड़ी वाला काम पूरा मना कर देना, ठीक है। तब कहीं जाके अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा अपने बिजनेस में, अदरवाइज बहुत लॉस होने वाला है इस बिजनेस में। क्योंकि मैंने देखा है और पर्सनली इस चीज़ को सीखा भी है और एक्सपीरियंस भी करा है कि अगर आपके बिजनेस में अपलाइन डाउनलाइन में जहाँ भी चीज़ें होती है ना, वहाँ पर आपका अपलाइन डाउनलाइन में खटास होना शुरू होता है और आपका बिजनेस वहीं से ब्रेक हो जाता है, राइट। विकी के टीम में भी एक बंदा है योगेंद्र, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। अब वो पता नहीं मुझे क्या हुआ था, विकी भी कुछ बता रहा था ऐसे ही, तो उन्होंने कुछ ऐसे ही ड्रोन दिया था जिसके कारण उनका इग्नोरेंस बढ़ गया था। तो ऐसा होता है यार, ठीक है। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करना बहुत बेटर है, ओके। फ्रेंडशिप में काफ़ी सारे लोग ये बोल करके, पता है मेरा सबसे बड़ा गलती यह है कि मैं किसी को भी मना नहीं कर पाता हूँ, राइट। कोई भी बोलता है ना, तो आज पहली बार मना किया हूँ, किसी को भी मना नहीं कर पाता हूँ। अगर कोई मुझे बोल दिया और मेरे पास है ना, तो मेरे पास है तो उसमें से भले ही थोड़ा सा अमाउंट मेरे पास बचेगा, पर जितना है उसको उनको दे देता हूँ। ये मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है, और यार प्लीज इस कमजोरी का कोई फायदा मत उठाना, क्योंकि अब मैं धीरे धीरे सख्त होते चला जा रहा हूँ। आज ही मैंने पहली बार मना किया है किसी को, पहली बार, राइट। तो वो चीज़ मत करना कोई भी, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, बिजनेस को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है, और मैंने इसको पर्सनली एकदम एक्सपीरियंस किया हुआ है, ओके। तो इन चीज़ों को समझना, ये तो हुआ सिंपल सा हमारे एथिक्स ऑफ बिजनेस, ठीक। आपको इसको अप्लाई करना है, नोट्स बना करके इसको प्रिपेयर करना है, और हाँ इस चीज़ को यार अपने बिजनेस में लेके आओ, लोगों के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करो, ऑनेस्ट रहो, अपने काम से प्यार करो, तब कहीं जाके आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आप लाइफ में सक्सेसफुल हो पाओगे। लेकिन अगर आप ऊपर ऊपर ही सारी चीज़ों को समझ लिए, इम्प्लीमेंट नहीं किए ना लाइफ में, तो कुछ रिजल्ट आने वाला नहीं है और इस बिजनेस में आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। चलो ठीक, अब मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। आप लोगों को लगता होगा कि अरुण को बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, और कुछ लोग बोलते भी हैं कि अरुण भाई लोग आपके साथ पर्सनली कनेक्ट कैसे हो जाते हैं। आप में से कुछ लोगों को, एक को अनम्यूट करना चाहूँगा, किसी एक को, सपोज दैट, जस्ट वेट, मैं किसी एक को अनम्यूट कर लेता हूँ। कोई है जिनको अनम्यूट कर सकूँ मैं अपनी टीम में से? कोई कोई है? नहीं है। चलो ठीक, संजय आप अपने आप को अनम्यूट करो। हेलो संजय, संजय नहीं है क्या? नहीं है, ओके, जस्ट वेट, किसी और को। हाँ आदित्य भाई आप हो? चलो ठीक, आपके साथ एक्सपीरियंस करते हैं। मुझे ये बताइए आदित्य भाई, जब मैंने आपके साथ फर्स्ट टाइम बात किया था, तो मैंने कैसे बात किया था?
जब फर्स्ट टाइम कॉल पे हम लोग बात किए थे। अच्छा मुझे जैसे याद है तो जब तो मेरी फर्स्ट टाइम जब बात हुई थी आपसे तो मैंने ही अपनी तरफ से कॉल किया था, मुझे कुछ कुछ काम था शायद, है ना, कुछ बात करनी थी आपसे। मुझे भी मतलब एक एक्साइटमेंट था कि आपसे यार बात करनी है। तो जब आपकी मेरी बात हुई तो पहली बार में आपका जो एक्साइटमेंट था मुझे लगा, मतलब बहुत अच्छा लगा था कि आपने बोला यार मैं तो आपसे बात करना चाहता था और काफी टाइम से सोच रहा था आपसे बात करें। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था यार कि हाँ ऐसे हमारा कन्वर्सेशन का स्टार्टअप हुआ। देन फिर अपन लोग काफी टाइम तक कन्वर्सेशन करते रहे, कई बार कन्वर्सेशन रात को हम लोग भी कई बार तो रात को 12 2 2 घंटे भी कॉल हुई हम लोगों की कि टीम को लेकर के डिस्कशन करना इन ऑल। तो ऐसा हम लोगों का कन्वर्सेशन चलता रहा है एंड आज भी ऐसे ही है। राइट। सारिका, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया। सारिका, आप दिलीप भिंडे की टीम से हो ना? सारिका, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। सारिका, हेलो या सारिका। एक सेकेंड एक सेकेंड सारिका, ओके ओके सर। अगर आप मीटिंग में हैं, इफ यू आर इन द मीटिंग, तो जैसा कि अरुण ने भी आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, मैं भी अपने साइड से दे रहा हूँ, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। ओके चलो अरुण, शायद आई होप नहीं है। उनका या ओके, शालू इंटरनेट का या ठीक है। यादव प्रोसीड की तो नेटवर्क प्रॉब्लम है। वेट, किसी एक और को देखते हैं, कोई है और नहीं है शायद। कोई नहीं है, चलो ठीक। देविका ना, दीक्षा को ले लेते हैं। चलो दीक्षा, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। दीक्षा, हेलो या हेलो, दीक्षा, आप मुझे ये बताओ दीक्षा, जब हम यस लोगों ने फर्स्ट टाइम बात किया था, सर पहला कन्वर्सेशन था, तो मैंने आपसे किस तरीके से बात किया था? एक तो सर आपका मुझे कन्वर्सेशन बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि आप अपने काम के प्रति बहुत डेडिकेशन थे, बहुत ही ज्यादा, मतलब कि दिल से आवाज आती है ना किसी काम को लेकर, जो हमें दिल से पसंद होता है। और मैंने तो आपको एक भी कॉल नहीं किया था, आप ही ने मुझे 2 3 बार कॉल किए थे बताने के लिए, और मैं तो कई बार कॉल आपकी अटेंड भी नहीं किए थे, फिर भी आपने कॉल किया। जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि शुरू शुरू में कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है किसी नए पर्सन से, तो हम उसे कॉल भी रिटर्न नहीं करते हैं फिर। लेकिन आपने मुझे सारी चीजें बताई, और मेरी तो मैंने मेरी फर्स्ट टाइम मीटिंग में अटेंड नहीं हो पा रही थी, तो मैंने कहा सर मेरी मीटिंग अटेंड नहीं हो पा रही है, मैंने इसके लिए आपको काफी परेशान किया था, शायद आपको याद हो सर। हाँ मुझे पता है। ठीक, हाँ, तो तो और आप मतलब फ्रस्ट्रेट नहीं होते, आप अगर कितना भी काम कर रहे हो तो फ्रस्ट्रेट नहीं होते, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे आपसे ये सीखने में बहुत अच्छा लगता है कि कितना भी काम हो लेकिन फ्रस्ट्रेट नहीं होते हो आप। राइट, थैंक यू दीक्षा। अब सुनो ध्यान से, ठीक है? अभी जैसे मैंने आदित्य भाई को अनम्यूट किया था, दीक्षा को अनम्यूट किया था, दोनों से आप लोगों ने क्या सुना? डायरेक्टली देखो, जब मैंने स्टार्टिंग में कन्वर्सेशन किया, दलजीत भाई से भी पूछ सकते हो आप, जब मैंने उनसे स्टार्टिंग में कन्वर्सेशन किया, कुछ अलग ही तरीके के अपनेपन के साथ मैंने कम्युनिकेशन स्टार्ट करा था। लाइक जैसे कि आप लोगों में से किसी ने सुना भी होगा, जैसे मेरी टीम की बात करो, तो जब वो किसी के साथ कॉन्फ्रेंस में लेते हैं ना, तो सबसे पहले मैं उनका नाम पूछता हूँ, उनका नाम इनसे पूछ लेता हूँ, फिर जब मैंने कन्वर्सेशन स्टार्ट करता हूँ तो डायरेक्टली क्या करता हूँ, सपोज दैट दीक्षा कोई है जिनसे मुझे कॉन्फ्रेंस में लेना है, तो नाम तो मुझे पता चल गया। अब जैसे ही यहाँ पे कॉन्फ्रेंस शेड हुआ, मैंने स्टार्ट करा, हेलो दीक्षा कैसी हो आप। ये जो कम्युनिकेशन है ना, सामने वाले की ये जो एनर्जी है ना, यही आपके अंदर, आपके लिए उस सामने वाले के अंदर इतना रिस्पेक्ट और एक तरीके से बोलते हैं ना ट्रस्ट, ये डाल देती है। राइट, आपको भी यही करना है, जब आप बोलते हो ना सामने वाले को एकदम अलग, मतलब ऐसा कि जब आप अपना कम्युनिकेशन अपना कमांड रख रहे हो, तो सामने वाले को लगना चाहिए कि हाँ कोई अलग ही बंदा बात कर रहा है, अलग ही पर्सन बात कर रहा है, जिनको लोगों के साथ इजली कनेक्ट होना आता है। आदित्य भाई की बात करो तो आदित्य भाई ने जब बात किया, स्टार्टिंग उन्होंने मुझे कॉल किया था, ऐसे कन्वर्सेशन स्टार्ट करा था कि हम दोनों का कन्वर्सेशन इतना लंबा होने लगा, 1 1 घंटे तक हम लोग बात किए हैं, 1 1 घंटे तक टीम को लेकर के डिस्कशन करे हैं हम लोगों ने। तो ये होता है कि सामने वाले पर्सन भी इससे आपके साथ घुल मिल जाता है और आप भी उनके साथ घुल मिल जाते हो। लेकिन ये कब होगा? जब आप उनको वैल्यू देना शुरू करोगे और हाँ खुले दिल से बात करोगे तब। अगर माइंड में सोचते रहोगे ना कि इस बंदे से मैं बात करूंगा, आदित्य भाई से बात करूंगा, तो क्या सोचेंगे, तो वहां पर कम्युनिकेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। एक अच्छे कम्युनिकेशन के लिए दिल को खुला, मतलब दिल को साफ रखना बहुत जरूरी है, तब कहीं जाकर के आप एक अच्छा रिलेशन बिल्ड कर पाओगे और आपको अच्छा रिजल्ट आएगा। काफी सारे लोगों को पता है रिजल्ट इसीलिए नहीं आता, क्योंकि वो हमेशा ये सोच के कॉल करते हैं कि इस पर्सन को मैं कॉल करूंगा तो पता नहीं क्या रिजल्ट आएगा। अभी मैं बात करूं जस्ट अपने, होगा शायद, नहीं है शायद, विश्वजीत की,
नहीं है शायद विश्वजीत, अभी मैं बात करूं विश्वजीत ने आज ही मेरे साथ स्टार्ट करा इस सिस्टम को। उसने जब मुझसे पहली बार बात किया ना, फर्स्ट टाइम मैंने उनको कॉल किया तो उनसे ऐसे बात किया कि मानो हम एक दूसरे को जानते हैं। वो बंदा पूरी तरह से इम्प्रेस्ड हो गया और बोला कि अरुण भाई आप इतने अच्छे से कम्युनिकेशन कैसे कर लेते हो, हम लोग तो एक दूसरे को जानते हैं। तो ये होता है कि आप मतलब सामने वाले को क्यों ये फील करा रहे हो कि आप बिजनेस कर रहे हो, आप क्यों फील करा रहे हो, ऐसा कराना ही नहीं है। एक रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश करने तब आपको अच्छा रिजल्ट आएगा। मेरे साथ काफी सारे लोग हैं, विकास भाई की बात करो तो उनसे भी कुछ ऐसे ही कम्युनिकेशन हुआ था। काफी सारे लोग हैं, हर एक का एग्जाम्पल दो तो काफी सारे हो जाएंगे, बट 65 लोगों में से ऐसे लोग हैं जो मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट है, कुछ लोगों को छोड़ करके, राइट। कुछ लोगों के साथ तो ज्यादा कम्युनिकेशन हुआ भी नहीं है, बट जिन लोगों के साथ हुआ है हर कोई पर्सनली टच में है। तो वही चीजें आपको भी करना है, अपने स्वार्थ को अपने बिजनेस को साइड में रखो, सिंपल सा रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए कन्वर्सेशन करो, रिजल्ट खुद ब खुद आएगा। ओके, तो ये मेरा टॉपिक था, होप चीजें क्लियर हुआ होगा यार। एंड थैंक यू सो मच आप सबके पेशेंस के लिए, आप लोगों ने बहुत अच्छा पेशेंस दिखाया इसके लिए, थैंक यू सो मच सबका। सर प्रोसीड करिए, कम हो गए काफी सारे लोग। सर रोशन सर, या हेलो अरुण रोशन आया सर, इधर हाँ सर ही उधर ही कंटिन्यू हो। करिए। सो कैसा लगा आप सब लोग को पूरा अरुण का सेशन? आप सभी लोग चैट बॉक्स में टाइप करें, मेरे को तो मजा आ गया। मैं आज एज ए होस्ट आप लोग का जैसे मतलब एज ए सिंपल आप लोग का जैसे देख रहा था मैं। एंड आई होप जो भी चीजें बताई जो एथिक्स बताई ना इट वाज ऑसम। एग्जैक्टली काफी मजेदार था, वो भी जो उन्होंने 12 के 12 पॉइंट्स लिखे तो काफी मजेदार था, ठीक है। एंड अभी मैं एग्जैक्टली अभी रैंडमली सबको वीडियो ऑन कराऊंगा, अभी मैं सबको वीडियो ऑन कराऊंगा, तो मेक श्योर आप लोग करेक्ट पोस्चर में आ जाओ और अरुण आप स्क्रीन हाँ रिकॉर्डिंग सर, करना, राइट। एंड जैसा हम हाँ लोगों ने सर, किया और था पिछली हाँ हाँ बार एक किसी को गेस्टर के साथ कुछ भी गेस्ट, एक तो चीज और अरुण मैं आप बोलना स्टार्ट करना, चाहूंगा, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, हाँ राइट। जस्ट वेट सर, एक एक चीज और बोलना चाहूंगा कि देखो आज मैंने जो चीजें बोला ना, सच बताऊं कुछ भी प्रिपेयर नहीं करा था, मैं मॉर्निंग से लेकर के बिजी ही था। और लास्ट टाइम मैंने जस्ट पोस्टर डिजाइन करा, जब सर बोले ना कि अपना अपना सब आप कैलकुलेट कर लो, उस टाइम मैं पोस्टर डिजाइन कर रहा था, और ये जो चीजें बोला पूरी के पूरे दिल से निकला हुआ बातें है, ठीक है। तो समझो ध्यान से यार, जब कुछ चीज कर रहे हो ना तो सच में कोई प्रिपेयर करने की जरूरत ही नहीं होता है। मैंने जो 1 घंटे का आप लोगों को भाषण दिया ना, ये पूरा का पूरा मेरा दिल से निकली हुई बात है। ओके ठीक चलो तो अरुण आप स्टार्ट करो यार। एंड मैं हाँ सर, जैसे जस्ट वन टू वेट। थ्री बोलूंगा वन बाय वन कुछ भी पोस्चर के साथ आप एक बार, मैं तो बोलूंगा अगर आपके पास नोटबुक हो जैसा कि मेरे पास तो है, मैं बार बार बोलता हूँ कि आपको लिखना चाहिए। अगर आपने नोट्स बनाया तो आप नोट्स भी दिखा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बट एक करेक्ट पोस्चर के साथ, बिकॉज वी आर अ बिजनेसमैन, तो प्रोफेशनल प्रोफेशन झलकनी चाहिए।